हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप इसको समझ जाओगे तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए होगा यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, और काफ़ी सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है सोल्व कीजिए किसको, इन इक्वेशन को। ठीक है, याद रखना कि हम लोग जो है ना, एक तो होता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन जो है ये बना है इक्वालिटी से, यानी मान लो कि एक्स प्लस टू है इक्वल टू थ्री है या इक्वल टू फाइव है, तो ये क्या है? इक्वेशन है। या मान लीजिए 24x इक्वल टू 100, तो यहाँ पे इक्वालिटी होता है, यानी कि इस तरह का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और अगर ये इक्वालिटी ना हो, ठीक है, तो इन इक्वेशन कहलाएगा वो। तो इन इक्वेशन में हम लोग किसको किसको लेते हैं? जैसे मान लो 24x हो लेस देन 100, तो ये इन इक्वेशन है। ठीक है, या कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होगा 24x लेस देन इक्वल टू 100, ये भी इन इक्वेशन है, या 24x ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो किसी तरह से इस तरह का अगर कोई इक्वेशन, कोई भी सिंबल यूज किया जाता है, लेस देन का, ग्रेटर देन, यहाँ पे जैसे लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन इक्वेशन। ठीक है, तो काफी सिंपल सा चीज है, तो इन इक्वेशन कहा जाता है। और डेफिनेटली याद रखो कि यहां से जो है ना आपको फिक्स सॉल्यूशन मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा फिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि आपको इंटीजर वैल्यूज या जो भी रेशनल या रियल वैल्यूज मिलेंगे तो आपको फिक्स्ड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, मतलब कि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हो। यहां से क्या मिलेगा? यहां से हमको मिलेगा फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी गिनती के सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो x प्लस टू, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस टू यानी 3। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन 3। ओके, तो यहां पे आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। इसी तरीके से यहां पे अगर आप निकालोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 100/24। ठीक है, इसको अगर हम लोग कट कर दें तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं इजिली, 4 से कट कर सकते हैं, तो 25 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। या मान लो अगर ये आपका लीनियर इक्वेशन है तो एक मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा, तो यहाँ से आपको फिर दो सॉल्यूशन मिलता। जैसे ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का हमको वैल्यू क्या क्या मिलेगा? -1 -1, दो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको फिक्स्ड सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा कह सकते हैं। बट यहाँ जो इन इक्वेशन है ना, इससे आपको क्या है? इससे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहां से भी देखो, अब इसमें भी आपको फाइनाइट मिल सकता है। मान लो अगर आपको, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं रियल प्लेन में, ठीक है, अगर हम रियल प्लेन की बात करें तो रियल प्लेन में क्या होगा कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, बट अगर आपको जैसे यहाँ पे इंटीजर दे दिया है या नेचुरल नंबर दे दिया है, तो ऐसे केस में ये फाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब कुछ गिनती के सॉल्यूशन मिल सकते हैं या आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का डोमेन दिया हुआ है, मतलब आपको किस में काम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और जनरली अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एक रीजन मिलेगा। ठीक है, वो रीजन भी हम लोग आज आगे बात करेंगे कि वो रीजन कैसा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक रीजन मिलेगा, एक पूरा एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि आपको इंटरवल में सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो इंटरवल में मिलेगा या तो रीजन में मिलेगा, तो ये सारे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे, स्पेशली इन केस ऑफ रियल नंबर। अब बाकी डोमेन में ये फाइनाइट या इनफाइनाइट भी देगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि इक्वेशन हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है और इन इक्वेशन में हर तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपको सोल्व करना है इसको अंडर द कंडीशन वेन एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो आपको गिवेन, ऐसा गिवेन दिया हुआ है, क्या है? 24x लेस देन 100। ठीक है जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x लेस देन 100/24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी है ना, मतलब कि इक्वेशन के जैसा ही आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप जिस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है।
ठीक है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग दोनों तरफ क्या किए हैं, 24 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या किए, 24 से डिवाइड किए। तो जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा ये। तो क्या प्रॉपर्टी है, मान लो कि आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, क्या ए एक्स लेस देन बी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी हो सकता है, ये हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, तो किसी भी केस में, ठीक है। तो अगर ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, और दोनों तरफ अगर आप ए से डिवाइड करते हो, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हो, पहले मैं डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, मान लो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, ठीक है, मैं ए से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा इधर, तो ए हट जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका लेस देन बी बाय ए, ठीक है। ये कब होगा, अगर ए आपका पॉजिटिव हो, अगर ए आपका पॉजिटिव है, याद रखिएगा, तब आपका जो साइन है वो चेंज नहीं करता है, जो है वही रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं, ओके, साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इन इक्वेशन का साइन है वो चेंज नहीं करेगा, साइन डज नॉट चेंज। इसको एकदम अच्छे से आपको याद कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ओके, अच्छा। और अगर मान लो मैं ए से डिवाइड कर रहा हूँ और ए मेरा क्या है, ए मेरा निगेटिव है, ठीक है, कोई निगेटिव क्वांटिटी है, तो वैसे केस में क्या होगा, साइन बदल जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन बी बाई ए, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे ए मान लो -2 है और -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वो साइन पलट जाएगा, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ये साइन था पहले, ये साइन था, तो ये साइन हो जाएगा, ओके। अगर आप निगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, एक ही रूल है, हाँ, अगर आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों तरफ अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, और अगर आप निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका साइन बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका साइन बदल जाएगा, साइन चेंजेस, ठीक है, साइन चेंज कर जाएगा, मतलब अगर ये है तो ये हो जाएगा, और अगर ये है तो ये हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है, या अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है जी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में आपको ध्यान देना होगा, वेरी केयरफुल। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना पड़ा, इसको सोल्व करने के लिए हमको दोनों तरफ 24 से डिवाइड करना पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में तो आप इसको धड़ल्ले से करते थे कि इक्वल टू रहता था तो 24 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन इन इक्वेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आप जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अभी आप 24 से कर रहे थे, 24 आपका एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आपका साइन चेंज नहीं किया, ठीक है, जो साइन दिया हुआ था वही साइन रह गया, ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा एक्स लेस देन, इसको मैं अगर 4 से कट कर दूं तो ये हो जाएगा 24/6, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर 4 में लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 6 फोर जा होगा 1061 और आपका फिर 40 तो 66, ऐसा आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे आपका ये आ रहा है कि x लेस देन आ जा रहा है 4.16, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या है, x जो है वो 4.16 से छोटा है, क्या है, x इज स्मॉलर देन 4.16, ठीक है। और क्या बोलता है, x नेचुरल नंबर है, तो x का आंसर क्या होना चाहिए, तो अब बताओ 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो लास्ट जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो 4 ही होगा, 5 तो आप नहीं लोगे क्योंकि आपको इससे छोटा लेना है। तो क्या है, अगर x मेरा नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है अगर x मेरा, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है जी, क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप इसको पता कर सकते हैं। अब इसको चाहो तो आप एक सेट में लिख सकते हो, ठीक है, कि x का वैल्यू क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन में हमको सिर्फ 4 ही आंसर मिल रहा है, 1, 2, 3 और 4, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x अगर इंटीजर हो तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, आपको गिवन है, ये गिवन है कि क्या है, x जो है वो इंटीजर है, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर है,
और हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि एक्स क्या है, लेस देन 4.16 आ रहा है, ठीक है, चूँकि क्वेश्चन तो वही है तो यही आएगा आपका। तो अब बताओ 4.16 4.16 से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा। तो इंटीजर क्या क्या होता है, तो आपको पता है कि जो इंटीजर है, इंटीजर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ठीक है, बात कर लेते हैं अच्छे से। तो इंटीजर क्या होता है, देखिए ये सब आपको सारा डोमेन पता रहना चाहिए, जो आपका नंबर थ्योरी वो पता होना चाहिए। अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर का बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है निगेटिव में प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है, 0 होता है, लाइक ओके, इस तरह का सारा वैल्यू इसमें होता है, प्लस वैल्यू भी होता है, माइनस वैल्यू भी होता है, आपको पता है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं 4.16 से छोटा लूँ तो कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x का वैल्यू क्या आएगा जी, इस तरह का सारा वैल्यू आएगा, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो चूंकि आपको इससे छोटा लेना है तो आप 4 तक ही लोगे, बट इधर आप देखो इधर आपका चल रहा है, इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि निगेटिव वाला आप जो भी लेंगे, जो हजारों करोड़ों निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इंटीजियर में, वो सारा ही यहाँ पे आंसर में कवर किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पता करना होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे सॉल्यूशन सेट में तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा हमको, ये हमको मिल जाएगा इस तरीके से, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया है, जबकि इसमें क्या आया था, इसमें आपका फाइनाइट सॉल्यूशन आया था, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो इन इक्वेशन है उसमें दोनों तरह का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आपको अरबों खरबों आंसर भी मिल सकता है और आपको कुछ यहाँ पे लिमिटेड आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह का पॉसिबिलिटी है, इस पर आपको हमेशा केयरफुल रहना है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो इसी तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या आएगा। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखते हो यहाँ पे क्या है, सोल्व करना है -12x > 30 को अंडर द कंडीशन कि x आपका नेचुरल नंबर हो और दूसरा आपका x आपका इंटीजर हो, ठीक है। देख लेते हैं क्या गिवेन है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका गिवेन है -12x > 30, ठीक है जी। तो यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से x को अगर अलग करना है तो मेरे को -12 हटाना पड़ेगा, यानी मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा -12 से। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा और हो जाएगा -30/12, ठीक है। क्या किए हम लोग, यहाँ पे आप लिख सकते हो, हम लोग किए हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -12, ध्यान दीजिएगा। तो -12 चूंकि एक निगेटिव क्वान्टिटी है इसलिए हम लोग का साइन क्या हो गया, बदल गया, इस पर आपको फोकस करना है। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स लेस देन, अगर हम इसको कट करें तो हो जाता है -15/6, 2 से कट कर दिए, ठीक है, ये हो गया, ओके। अच्छा अब -16/, तो आप देखो ये कुछ भी अगर देखोगे तो वैल्यू क्या है, तो अगर इसको आप कट करोगे तो 6 2 12 और 6 5 30, तो 2.5 ही आ रहा है, मतलब आपको क्या आ गया, आपको आ गया x इज लेस देन -2.5, ठीक है जी, ओके। अब देखो पहला केस में, पहला केस क्या है, x इज नेचुरल नंबर, इफ x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब बताइए x आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, जबकि x क्या है, -2.5 से छोटा है, तो भाई नेगेटिव नंबर से छोटा जो भी वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव ही होगा, जबकि नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो 1 2 3 4 5 होता है, तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे x का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, इस पर आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम ये देखेंगे कि हमको क्या बोल रहा है कि x जो है मेरा वो इंटीजर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सेकंड नंबर ऐसे बनाएंगे कि x इज एन इंटीजर, x क्या है, हमको एक लेना है इंटीजर, ठीक है, और जो हमको सोल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है x इज लेस देन -2.5। तो इंटीजर वैल्यू तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, तो -2.5 से छोटा कौन होगा,
तो आप कह सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली इस तरह का वैल्यू होगा -5, -4, -3, यहीं तक आएंगे, ठीक है। क्योंकि -2 लोगे तो फिर वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन हमको क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन हमको मिलेगा, चलता रहेगा ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, -5, -4, -3 तक जाएगा, ओके। इधर आपका -6, -7, इधर आपका करोड़ों वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है निगेटिव इंटीजर्स का, ठीक है जी, क्लियर है। तो काफ़ी आसानी से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अच्छा, आगे बढ़ो, फिर देखो क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। अब देखो, सोल्व करने का टेक्निक काफ़ी सिंपल है, इक्वेशन की ही तरह बहुत तरह से ये काम करेगा, बस आप इसको बिंदास किए जाइए। तो यहाँ पे बोलता है 5x-3 <7 है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। क्या है, गिवन है हमारा, क्या है गिवन, 5x-3 <7, ठीक है। अच्छा, तो इधर से क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा मेरा <7 + 3। तो देखो, ये जो प्लस माइनस है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फर्क पड़ता है कि आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, या निगेटिव से कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से प्लस माइनस जैसे आप इक्वेशन में करते थे वैसे ही कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 मेरा इधर आ गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे हो गया आपका 5x < 10। अब यहाँ पे मैं x को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, x < 10/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा जी, आपका x < हो जाएगा 2, ठीक है। अब चूंकि आपने 5 से डिवाइड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए आपका साइन चेंज नहीं किया। अब बस आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ये सबको आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो अब आपका कोई मिस नहीं करेगा, थोड़ा सा आपको बस केयरफुल रहना है। तो अब देखो, x आपका <2 है, और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है आपका, x इज एन इंटीजर, x लेना है आपको इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और 2 से छोटा लेना है। तो बताइए कौन कौन सा होगा बिंदास, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा डेफिनेटली, सारा नेगेटिव वैल्यू आएगा, -3, -2, -1, 0 और 1 तक आएंगे, क्योंकि आपको 2 से लेना है स्मॉलर, तो लास्ट हमारा कौन होगा, सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2, -1, 0, 1, ठीक है। तो ये डॉट डॉट का मतलब है कि सारा वैल्यू इसमें बाकी आ गया, सारा निगेटिव आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखो, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ रहा है रियल नंबर, कि अगर रियल नंबर है तब क्या होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो नंबर 2 देखो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या है, एक्स हमारा है एक रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स रियल नंबर है, और क्या है, और एक्स लेस देन 2 है, ठीक है। तो भाई 2, क्योंकि 2 से छोटा यही आया है आपका सॉल्यूशन, है ना, इक्वेशन आपको दोनों के लिए एक ही दिया है ना, इन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन तो हमको यही लेना है। तो सेकंड वाले केस में आपको बस रियल नंबर लेना है, और सॉल्यूशन हमको क्या मिला है, एक्स लेस देन 2। तो एक्स लेस देन 2 और रियल नंबर, तो रियल नंबर जो 2 से छोटा हो, तो आपको पता है कि 2 से जो जस्ट छोटा होता है वो कौन होता है, 1.99, गलत, 1.999, गलत, 1.999, आप बोल ही नहीं सकते। हम 2 से छोटा रियल वैल्यू कौन है वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम रियल नंबर को क्या करते हैं, इंटरवल में दिखाते हैं, ठीक है। हम लिख नहीं सकते कि 2 से छोटा कौन होगा, और फिर उससे छोटा तो बहुत सारा होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम ऐसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, 2 से छोटा। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि देखो यहाँ पे 2 है, मान लो कहीं पे 2 है, ठीक है, तो हमको 2 से छोटा, तो 2 पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं है, ठीक है, जैसा आपको हम सेट में पढ़ाए हैं। तो 2 को आपको छोड़ना है, और 2 से पहले जितना भी छोटा वैल्यू है सब आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये रियल लाइन में आप इसको ऐसे दिखाएंगे, और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग इधर -∞ ले लेंगे, इधर ले लेंगे 2, इंटरवल में दिखाएंगे, ठीक है, कि -∞ से 2 तक इसका आंसर होगा, यानी -∞ से 2 के बीच में जितना भी है सबको लेना है, हाँ 2 के पहले तक आना है। तो 2 को हम लोग क्या किए, ओपन इंटरवल पे डाल दिए। तो रियल नंबर के केस में, रियल प्लेन में आप जब भी बात करेंगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और इस तरीके से आप रोस्टर वाला फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा कि आपको कौन कौन सा सॉल्यूशन मिल रहा है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इंटरवल का यूज़ करना है। और इंटरवल मैंने आपको सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो अगर आप इसको देख रहे हैं और पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वन बाई वन सब कुछ देखते आइएगा, तो आपके लिए ये सारा क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है यहाँ पे देखो, 4 नंबर आ रहा है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, इसको सोल्व कीजिए बिंदास, ठीक है, और थोड़ा फास्ट कीजिए। कैसे करेंगे, 3x + 8 क्या है, > 2 है, ठीक है, ये बिंदास क्या हो जाएगा, 3x > 2 - 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x > -6, ठीक है जी,
और यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस सिक्स बाई थ्री, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन माइनस टू। तो चूंकि हम लोग अभी दोनों तरफ क्या किए हैं, थ्री से डिवाइड किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये थ्री हटेगा, और थ्री क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जो मेरा इन इक्वेशन का चिन्ह है, साइन है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो x आ गया ग्रेटर देन माइनस टू। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोलता है आपका x क्या है, इंटीजर है, x इज एन इंटीजर। तो x इंटीजर है और क्या है, और x मेरा ग्रेटर देन माइनस टू है, तो माइनस दो से बड़ा इंटीजर तो कौन कौन होगा, तो माइनस दो से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कौन कौन मिलेगा जी, तो आप देख सकते हो माइनस दो से बड़ा, ठीक है, माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, और ये आपका चलता चलेगा, तो नो डाउट ये पूरा आपका आंसर मिलने वाला है। क्लियर, अब देखो अब आपका आ गया रियल नंबर, अब आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप करेंगे, एक्स इज अ रियल नंबर और क्या है, और एक्स मेरा क्या है, ग्रेटर देन माइनस टू, यानी माइनस दो से बड़ा, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो माइनस दो से बड़ा, और सब और बड़ा कहाँ तक जाएगा, तो जाएगा वो इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो माइनस दो से बड़ा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी आपको ये मिलेगा माइनस दो से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है, अब आप इस तरह का बिंदास लिख पाइएगा, अब आप यहाँ पे से हम तेजी के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ भी देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको सोल्व करते जाना है, आपको सारा सोल्व करना है अब रियल एक्स के लिए, यानी अब जितना भी आंसर आप लिखेंगे सब आप इंटरवल में लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल में देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए बिल्कुल फास्ट, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, थ्री माइनस सेवन लेस देन फाइव एक्स माइनस फोर एक्स। ठीक है, ये जो सिंपल तरीका है जो कि इक्वेशन में भी होता था कि आप x को एक तरफ कर दीजिए, x वाले को, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे थ्री और सेवन, इसको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये चला गया माइनस में, ये सब आपको पहले से पता है, तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस फोर लेस देन एक्स। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया मेरा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर, यही आया है। ठीक है, अगर देखो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा ना, मैंने यहाँ पे जस्ट क्या किया, स्वैप कर दिया है, मतलब कि जो ऐसे लिखा हुआ था उसमें हम पहले x को लिख दिए, तो बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी आप देखोगे तो माइनस फोर लेस देन x था, यानी x आपका बड़ा था माइनस फोर से, तो हम घुमा के लिखेंगे तो x क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस फोर ही होगा, तो यहाँ पे वो मत सोचिएगा कि आपका साइन चेंज हुआ है, जस्ट हम क्या किए हैं, इसको थोड़ा सजा के लिखे हैं। ठीक है वही चीज़, तब आपका क्या हो गया, पता चल रहा है कि x मेरा ग्रेटर देन माइनस फोर है। ठीक है, और रियल के लिए करना है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा मोहब्बत से माइनस फोर से बड़ा, तो कहाँ तक जाएगा जी, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आपको क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, तो ये आपका हो गया आंसर, काफ़ी जल्दी बनेगा आप। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, एकदम लॉलीपॉप है, सब आपका बिंदास बनेगा। कैसे बनाया आप लोगों ने देख लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस सेवन और प्लस वन। ठीक है, इधर हो जाएगा मेरा लेस देन ग्रेटर देन फाइव एक्स, और इधर आ जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स, तो ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे माइनस सिक्स लेस ग्रेटर देन टू एक्स। ठीक है, इसको हम सजा के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा टू एक्स इज लेस देन माइनस सिक्स। ठीक है जी, ओके, अच्छा अब दोनों तरफ आप टू से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, बिल्कुल फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको माइनस तीन से छोटा लेना है, माइनस तीन से छोटा, तो सबसे छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, माइनस तीन तक जाना है, तो बहुत ही आसानी के साथ हमें अब आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन बनता चला जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का केस आ गया है, कैसे करोगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स माइनस थ्री लेस देन टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, एक्स को एक तरफ कीजिए, थ्री एक्स माइनस टू एक्स लेस देन थ्री माइनस सिक्स, सो इट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री या माइनस थ्री से छोटा, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया, माइनस थ्री, और यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल। ठीक है, और छोटा वैल्यू क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी पे क्या रहता है, हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इसलिए सॉल्यूशन आपका यही हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, क्लियर है, तो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो क्लोज इंटरवल कब देंगे, जब आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहेगा तब। ठीक है, चलो इसको बनाओ, इसको कैसे करेंगे हम लोग, थ्री टू या सिक्स माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस टू एक्स, यहाँ पे
सिक्स माइनस टू इस तरह से हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू एक्स ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फोर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो इसको सजा के लिखिए, तो एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, मतलब चार या चार से छोटा, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ, और फोर पे क्या करना है मेरे को, क्लोज करना है, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बिंदास बनेगा। ठीक है, एकदम आपको दौड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। तो नाइन नंबर को कैसे करेंगे, ठीक है, इधर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका टू थ्री सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, लेस देन एलेवन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्स थ्री नाइन और टू एलेवन एक्स आ जाएगा, लेस देन एलेवन इंटू सिक्स सिक्सटी सिक्स। ठीक है, अब आप देखो आप दोनों तरफ यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तभी आपका ये सिक्स हटेगा, और सिक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए जो मेरा साइन था वो बदला नहीं। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन 66 बाई 11। तो अगेन आप 11 से डिवाइड किए हैं दोनों तरफ, जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स इज लेस देन 6। ठीक है, तो 6 से छोटा रियल नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 6 ओपन इंटरवल। ठीक है जी, चलिए फिर यहाँ पे देखो कैसे करना है, तो यहाँ पे भी आप अगेन ऐसे कर सकते हैं आराम से मोहब्बत से, एक्स बाई 3 ग्रेटर देन, इधर आप एलसीएम ले लो तो 2 आ जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास, और दोनों तरफ आपका पॉजिटिव नंबर है, इधर 3 है इधर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो बारी बारी से होगा, एक बार आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा ऐसा आप कह सकते हैं, और फिर एक बार आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब दो स्टेप में काम होगा, लेकिन दोनों ही स्टेप में चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए हम इसको एक साथ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या कि 2x ऐसे हो जाएगा और लेस देन 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 2x लेस देन 3x प्लस 6 ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 6 इज लेस ग्रेटर देन 3x माइनस 2x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 6 इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x आपका लेस देन माइनस 6 है, तो रियल में माइनस 6 से छोटा, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6। ठीक है, तो बिल्कुल देखो बिंदास, अब आपको ना कुछ करना ही नहीं है, एकदम भाई दौड़ते हुए चलना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनने वाला है, बिल्कुल फाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी अगेन वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इधर 5 है इधर 3 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से करेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा, 9x माइनस 2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 25 2 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 9x माइनस 18 लेस देन 50 माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे इधर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे करेंगे, ठीक है, x को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25x और प्लस 9x, और इधर लेस देन हो जाएगा 50 और प्लस 18। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपका हो जा रहा है 34x और इधर हो जा रहा है मेरा 68। अब यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 68 बाई 34। ठीक है, यानी हमारा x क्या आ जा रहा है, लेस देन 2 आ जा रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2, और 34 एक पॉजिटिव वैल्यू है, अभी सब बताने का जरूरत नहीं है, आप ध्यान दे दीजिएगा ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 से छोटा लेना है और 2 पे क्लोज, तो 2 लेना है मैक्सिमम और छोटा लेना है माइनस इन्फिनिटी, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आप देख पा रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन आप बना पाओगे, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3x बाई 5 प्लस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 2 आ जाएगा, तो x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, फिर सब देखिएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 60 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से क्रॉस कर देंगे, तो 10x माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो 60 और प्लस 60 ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, और इधर मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10x और माइनस 9x, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आ जा रहा है
120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और वी कैन से इट इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 120, यानी एक्स जो मेरे को लेना है वो 120 या उससे छोटा लेना है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है आपका 120 है, तो छोटा माइनस इन्फिनिटी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 120 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू जहाँ भी रहेगा वहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी देखो आपको सारा क्वेश्चन बनता चला जा रहा है, अब बिल्कुल बिंदास बनता ही चला जाएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में कैसे करेंगे, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4x है, 2 3 6 और माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x माइनस 12, ठीक है, 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12, यहाँ से आपका अब आ जाएगा 12 माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 4x, ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जा रहा है 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x, और वी कैन से 2x इज ग्रेटर देन 8, सो इट इज x इज ग्रेटर देन 8/2 यानी 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को 4 से बड़ा लेना है, तो मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, 4 पे भी ओपन, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट अब आप देखो बढ़ रहे हो ना, आपको इसी तरीके से बढ़ना है, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। तो देखो सारा ये प्रैक्टिस पर्पज से दिया है, सब आप सोल्व कर सकते हैं इजिली। 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 37 माइनस 5 दैट मीन्स 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 only x बचेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 24, ठीक है जी। अब यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हो, 32 माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 3x, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, और वी कैन राइट इट इज 4x इज लेस देन इक्वल टू 8, सो x इज लेस देन इक्वल टू 2, 8/4। तो अब आपके यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, हमको दो लेना है मैक्सिमम, ठीक है, क्लोज इंटरवल के साथ में, तो मिनिमम क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल फास्ट देखो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन रहा है, और जस्ट आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया है, तो प्रैक्टिस पर्पस के ही अकॉर्डिंग आपको इसको बनाते चले जाना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 15 नंबर, 15 नंबर को कैसे करने वाले हैं, तो 15 नंबर देखो यहाँ पे, ठीक है, कैसे कीजिएगा, x बाई 4 लेस देन, इधर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 3 5 जो क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 × 5x - 2 और -3 × 7x - 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हो बिंदास, चूंकि सारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो 15x लेस देन, इधर आपका 4 आ जाएगा, अंडर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25x माइनस 5 × 2 = 10 माइनस 21x और प्लस 3 × 3 = 9, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 15x लेस देन 4, ये आपका बचेगा 4x और माइनस 1, ठीक है जी। यहाँ से हम लोगों को आ जा रहा है 15x लेस देन, मल्टीप्लाई कीजिए 16x माइनस 4, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 इज लेस देन इक्वल टू 16x माइनस 15x, सो फाइनली क्या आ गया, आपका आ गया 4 इज लेस देन x, और वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन 4, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे को 4 से लेना है बड़ा, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है, 4 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। 16 नंबर को करो, कुछ करना ही नहीं है, आपको ऐसे ही करते चले जाना है, सिंपली आपको सोल्व करना है, ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 3x - 2 - 4 2 - x, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते हैं, तो 20 × 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 3, अंदर सोल्व कीजिए 15x - 10 - 8 और प्लस क्या हो गया जी 4x हो गया, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 19x - 18, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग फर्दर और मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 40x - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x और -54, ठीक है, और मोहब्बत से करेंगे तो 54 - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 40x, ऐसा हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, देखो इधर आप एकदम इक्वेशन की तरह आप जा रहे हो, और ये इक्वेशन की तरह ही है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 17x. सो वी कैन राइट इट इज 17x इज लेस देन इक्वल टू 34. सो x इज लेस देन इक्वल टू 34/17, दैट मीन्स 2. ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी सॉल्यूशन क्या मिलेगा मेरे को, 2 से छोटा लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी और 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल. ठीक है, देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल मोहब्बत से आपको सारा क्वेश्चन बन रहा है, आपको बनाने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने जा रहा. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि आप इसको सोल्व कीजिए और सोल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाइए, नंबर लाइन पे, जैसे हम शुरू में आपको दिखा रहे थे. तो काफ़ी आसान है ये भी, कैसे करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 3x और -2x कर देंगे इधर ना, तो ऐसे हो जाएगा 3x -2x इज लेस देन 2+1. तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज लेस देन 3, ऐसा आ जा रहा है. ठीक है, अब इसको हमको रियल नंबर लाइन पे दिखाना है, तो 3 से छोटा. ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन दे देना इस तरह से मोहब्बत से. ठीक है, तो इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है हमारा इन्फिनिटी. ओके जी, और कुछ आप यहाँ पे वैल्यू दिखा दीजिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरा 0 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कुछ निगेटिव वैल्यू भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आपको लेना है क्या, आपको लेना है 3 से स्मॉलर, और 3 पे देखो क्लोज नहीं है, तो 3 पे आपको क्या करना है, 3 पे आपको मोहब्बत से ओपन करना है, ध्यान दीजिएगा, ओपन ऐसे ओपन कीजिएगा. ठीक है, 3 पे ओपन कर देंगे और बाकी जो है ना इस तरफ को आपको शेड कर देना है, कलर कर देना है, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ. ठीक है, पेंसिल से ऐसे कर दीजिएगा. तो ये जो पीला वाला लाइन है, ये बता रहा है क्या, ये नंबर लाइन पे कि 3 से छोटा जितना भी आंसर है, माइनस इन्फिनिटी से 3, इसी को देखो बोलते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी से 3. ठीक है, तो लेकिन इसको नंबर लाइन पे आपको ऐसे दिखाना है, तो पेंसिल से अच्छे से दिखा दीजिएगा, थोड़ा मोटा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. इसी तरीके से देखो 18 नंबर को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको आप सोल्व करो, 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा क्या, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस 1 से बड़ा लेना है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको क्लोज है, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो हमको माइनस 1 को भी लेना है. तो कैसे लेंगे, तो आप मोहब्बत से एक लाइन ऐसे डालिएगा. ठीक है, डाल दिए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, और कुछ वैल्यू को आप दिखा दीजिए, जैसे हमको आपको दिखाते हैं माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 0, 1, 2, इस तरीके से. ठीक है, अब आपको माइनस 1 और उससे बड़ा लेना है, तो माइनस 1 पे आप क्या कीजिएगा, माइनस 1 पे ऐसे कीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा कि माइनस 1 को हम देखो इसका हुआ, अभी हम रंग दिए हैं, क्लोज करेंगे तो रंगेंगे और ओपन रखेंगे तो छोड़ेंगे. जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे छूटा हुआ था, यहाँ पे बीच में वाइट रहेगा, यहाँ पे पूरा रंग देंगे, रंगने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, पूरा हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ऐसे पेंसिल से थोड़ा मोटा कर देंगे. तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्या लेना है हमको, हमको लेना है माइनस 1 लेना है और उससे बड़ा लेना है. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पेंसिल से करोगे, देखो आप ऐसे करना, ऐसे कर लेना यहाँ पे काला. ठीक है, और इसको आप ऐसे थोड़ा सा मोटा कर देना इधर का एरिया को, कि इधर का एरिया में ही हमको आंसर मिलेगा, तो मोटा कर देने से ही आपको दिखेगा. इसी का मतलब क्या होता है, माइनस 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है कि माइनस 1 भी लेना है और इन्फिनिटी तक जाना है. तो रियल नंबर लाइन पर दिखाना काफ़ी इजी है. ठीक है, ये बता रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 को, और ये बता रहा था x लेस देन 3 को. तो बहुत आसानी के साथ में आप ये रियल नंबर पे भी इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, तरीके से देखिए इसको हमको करना है, कुछ नहीं करना. ठीक है, बिंदास सोल्व करते जाओ, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 4 8. ठीक है, ये हो जाएगा. यहाँ से हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 माइनस 8 इज लेस देन 2x प्लस 3x. ठीक है जी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये माइनस 5 लेस देन 5x, और वी कैन राइट इट इज 5x इज ग्रेटर देन माइनस 5, हेंस x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे जो x आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है ग्रेटर देन माइनस 1. ठीक है, अब आप इसको बिल्कुल बिंदास तरीके से चाहे तो खुद से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो हम खुद से दिखाइए कैसे दिखेगा. अगर हम एक रियल लाइन यहाँ पे लें, तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस 1 से बड़ा है तो माइनस 1 को दिखा देते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे माइनस 2 होगा, यहाँ माइनस 1 होगा. ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, तो हमको लेना है माइनस 1. ठीक है, और उससे बड़ा, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इस यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे माइनस 1 पे, ओपन रखेंगे और माइनस 1 के बड़ा वाला को, यानी माइनस 1 से बड़ा जो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, उधर हम थोड़ा सा प्रिंट कर देंगे, तो ये आपका आंसर बता रहा है. ठीक है जी, क्लियर है.
तो बिल्कुल देखो आसानी से बनेगा, एकदम मोहब्बत से बनाना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है यहाँ पे, फिर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। एक्स बाई टू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस करेंगे 5x माइनस टू और माइनस थ्री क्या हो जाएगा 7x माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप इसको दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो क्रॉस कर सकते हैं, तो 15x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 2 रखो, ठीक है, और अंदर पहले सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। ओके, से 15x ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अंदर में आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 21 यानी 4x और माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और अच्छे से करो इसको, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x माइनस 2, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, सो इट इज क्या हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, इधर मैं कर दे रहा हूँ कि x क्या आ गया, x आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 बाई 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 एक पॉजिटिव वैल्यू है, उससे अगर डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, पहले आप उसको देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको माइनस 2 बाई 7 लेना है या उससे बड़ा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। अब इसको अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। माइनस 2 बाई 7 क्या है, अगर आप देखिएगा तो ये एक्चुअली है, डिवाइड करेंगे तो माइनस, ठीक है, डेसिमल देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 7 3 जा लगभग माइनस 0.3 है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा कि माइनस 1 और 0 के बीच में इसको देना पड़ेगा, तो आप एक लाइन ले लीजिए यहाँ पे मोहब्बत से, ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ले लीजिएगा और यहाँ पे आप दिखाइएगा ये माइनस इन्फिनिटी होता है प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ पे माइनस 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस 1 और 0 और 0 से जस्ट पहले जो 0.29 समथिंग है, मतलब यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्या, माइनस 2 बाई 7 ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, माइनस 2 बाई 7 यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे हमको इसको क्लोज करना है, तो आप इसको क्लोज कीजिएगा इस तरीके से मोहब्बत से, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब पूरा इधर का पार्ट जो इससे बड़ा वाला पोर्शन को बता रहा है, तो ये आप थोड़ा पेंसिल से यहाँ पे कलर कर देंगे तो ये आपका जो है एग्जैक्टली क्या आ गया, नंबर लाइन पे आपको सॉल्यूशन दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना है, क्लियर है जी। चलो और देखो यहाँ पे फिर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 21। अब देखो कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि जैसे इक्वेशन में होता है ना कि वर्ड प्रॉब्लम से आप वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं, तो इन इक्वेशन का भी यूज करके आप बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 21 के रवि ऑब्टेंड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, दो टेस्ट में इसका 70 75 आया है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो बोल रहा है कि जैसे तीन टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको कितने टेस्ट हो रहे हैं, एक टेस्ट, दो टेस्ट और तीन टेस्ट, ठीक है। तो बोलता है कि तीसरे टेस्ट में इसको कितना नंबर आए कम से कम, कि इसका जो एवरेज है वो क्या हो जाए, वो हो जाए 60, ठीक है, एटलीस्ट 60 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, कि याद रखिएगा कि एटलीस्ट के लिए एटलीस्ट हो, ठीक है, या मान लो मिनिमम हो, मिनिमम हो या एटलीस्ट हो, तो इसके लिए ना हम लोग ये साइन यूज करते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऐसा यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों, देखो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं इंटीजर सेट पे, मान लो मेरा सेट क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो 2 या 2 से बड़ा तो क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, ये होगा। तो यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या है, वो या तो 2 है या 3 है या 4 है, तो जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे x का वो क्या है, तो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे x का 2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x क्या है, एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2 है, ठीक है। तो एटलीस्ट के लिए या मिनिमम के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको कहीं पे एटमोस्ट का यूज करना पड़े, एटमोस्ट का या मैक्सिमम का, तो ये अगर आपको दिखाना हो ना, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आप ये यूज करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, मान लो इंटीजर है, तो सेट क्या होगा, सेट होगा आपका इस तरीके से माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या सबसे बड़ा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है,
ठीक है, एटमोस्ट ये दो पे जा रहा है, मतलब इसका अधिक से अधिक वैल्यू क्या है, दो है, और बाकी उससे कम वैल्यू भी हो सकता है। तो मिनिमम के लिए ये यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम के लिए ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरे टेस्ट में कितना नंबर आए कि कम से कम इसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 हो जाए, यानी 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल मोहब्बत से लिखिए लेट, ठीक है। मान लेते हैं कि जो थर्ड टेस्ट है उसमें उसको एक्स मार्क्स मिलता है, ठीक है। लेट लेट ही गेट एक्स मार्क्स इन थर्ड सेट, थर्ड टेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसको क्या है, एक्स मार्क्स मिलता है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, तो एवरेज निकालने का तरीका ये होगा, देखिए, ठीक है। पहला 70 लाया है, फिर 75 लाया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, 70 प्लस 75, ठीक है, प्लस एक्स, ये हो गया तीन टेस्ट का नंबर। और इसका एवरेज करेंगे तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 3, ठीक है जी। क्योंकि तीन एग्जाम में लाया है तो तीन एग्जाम का नंबर डिवाइड बाई 3, तो ये तीन एग्जाम का नंबर हो गया टोटल इसका। अब ये एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी क्या, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, जैसा कि हम आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लगाइएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे लिखा है कम से कम 60, यानी 60 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी जो भी एवरेज नंबर आया है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 75 हो जाएगा हम लोगों का, 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, 3 से क्रॉस कर दिए, 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 45, ठीक है जी। यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो x का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी x जो है ना वो कम से कम कितना होना चाहिए, 35, यानी जो तीसरा टेस्ट है उसमें उसको कम से कम 35 आना चाहिए, या 35 से ज़्यादा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 35 आना चाहिए, सो दैट कि उसका एवरेज क्या हो जाए, कम से कम 60% हो जाए, 60 मार्क्स हो जाए और वो फर्स्ट कर जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे लास्टली, आप ऐसे लिख दीजिएगा, हेंस ही शुड गेट, हेंस ऐसे लिखिएगा, हेंस ही शुड गेट, ही शुड गेट गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे से आपको इन इक्वेशन का यूज करके इस तरह का क्वेश्चन का आंसर काफी जल्दी निकल जाता है, ठीक है जी। फिर देखो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड ए लाने के लिए, किसी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। मतलब 5 एग्जाम है और 5 एग्जाम 100-100 नंबर का है, और अगर आप एवरेज 90 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ग्रेड ए, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेड ए लाने के लिए क्या है, 90% चाहिए एवरेज, ठीक है। बोलता है कि कोई सुनीता है जो क्या करती है, जो मार्क्स लाती है फर्स्ट 4 टेस्ट में, ऐसा ऐसा नंबर आया उसका, ठीक है, अच्छा अच्छा नंबर आया है। तो बोलता है कि फाइंड द मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पूछा, आपको पूछा है मिनिमम, यानी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन कोर्स ए, ठीक है। तो ग्रेड ए लाने के लिए उसको 5वां टेस्ट में कितना लाना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। तो हम चलो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट लेट सुनीता गेट्स एक्स मार्क्स इन 5th एग्जाम, ठीक है। मान लेते हैं कि 5th एग्जाम में इसका क्या है, कम एक्स नंबर आता है, ठीक है। अगर ये एक्स नंबर आ रहा है तो ये एक्स कम से कम कितना होना चाहिए, ये हमको बात करना है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान दीजिए, हाँ, इसका आया है 87 प्लस क्या आया है 92 प्लस क्या आया है 94 प्लस क्या आया है 95, ठीक है, ये, और एक आपका आ रहा है x, और इसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 टेस्ट का एवरेज नंबर, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, जो एवरेज है वो क्या है, वो है 90, तो ये 90 होना चाहिए मोहब्बत से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी एवरेज निकालना है तो सारे एग्जाम का नंबर जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई कुल कितना एग्जाम है, तो 5 एग्जाम है, ठीक है, और सिंपली इसको 90 लाना है ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एटमोस्ट रहता तो हम लेस देन इक्वल टू लगाते, चूंकि मिनिमम पूछ रहा है इसलिए हम क्या लगाए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आ जाएगा,
तो अगर आप इसमें सबको ऐड कर दीजिएगा तो आ जाता है 368 आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स, और इधर क्रॉस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 450। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 450 माइनस 368, ठीक है, यानी मेरा एक्स क्या आ जा रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो आ जाएगा 82, यानी इसको थर्ड टेस्ट में 82 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे, हम बोलेंगे हेंस हेंस सुनीता सुनीता मस्ट ऑब्टेन, ठीक है, एटलीस्ट बोलो या मिनिमम बोलो, मिनिमम भी लिख सकते हो या एटलीस्ट भी लिख सकते हो, सो एटलीस्ट 82 मार्क्स। तो इसको कम से कम 82 नंबर लाना पड़ेगा सो दैट के ये इजिली जो है ऑन एवरेज 90 नंबर अपना ले आए, ठीक है, 90% ले आए ऐसा कह सकते हो। बस देखो क्वेश्चन को समझना है और मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोलता है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या बोल रहा है, देखो पहले तो हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कैसे लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, लेट कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, देखो एक हम x लेंगे तो एक क्या लेंगे, एक x प्लस टू लेंगे, क्योंकि कोई भी आप दिखेगा ऑड नंबर जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, इसमें जो 1 3 है इसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड बोलते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव है तो दोनों में 2 का फर्क है, या 5 7 ये भी क्या है, आपस में कंसेक्यूटिव है, दोनों में कितना है, 2 का फर्क है, ठीक है, या इसी तरीके से 3 5 ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव में 2 का अंतर होता है, तो अगर आप एक एक्स लेंगे तो एक क्या लेंगे, एक्स प्लस टू लेंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया कंसेक्यूटिव में। अब क्या बोलता है, अब आपको बोलता है गिवेन है, क्या गिवेन है, कि जो दोनों नंबर है वो क्या है, 10 से छोटा होना चाहिए, क्या x इज ग्रेटर देन टू 10 और x प्लस टू भी ग्रेटर देन 10, ओ सॉरी स्मॉलर देन है, माफ कीजिएगा, 10 से छोटा होना चाहिए ना, स्मॉलर देन, तो x इज स्मॉलर देन 10 एंड x प्लस टू इज स्मॉलर देन 10, तो यहां से यह आ जाएगा कि x इज क्या स्मॉलर देन 8, है ना, 2 को माइनस कर देंगे तो यहां से जो मेन चीज आ रहा है वो ये आ रहा है कि x हमको 8 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 8 से छोटा, तो ज़्यादा तो यही है कि हमको 8 से छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि दोनों का जो सम है, दोनों का सम यानी x और प्लस x प्लस टू, ये दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो मोर देन 11 होना चाहिए, यानी 11 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 11, तो यहाँ से आप देख सकते हो x x आपका 2x हो जाएगा, प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है, ऐसे करेंगे तो यहाँ से हम लोग करेंगे कि तो आ जाएगा आपका 2x इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, और x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन 9/2, ये आ जाएगा जी, ठीक है, यानी x क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे तो x आ रहा है ग्रेटर देन 4.5। तो अब आप देखिए इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए, ठीक है, देखो अब इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा इन इक्वेशन क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, ये आपको बोल रहा था कि x लेस देन 10 है, ये आपको बोल रहा है x लेस देन 8 है, तो ज़्यादा मीनिंगफुल कौन है भाई, x 10 से छोटा है, x 8 से छोटा है, तो डेफिनेटली जो 8 से छोटा होगा वो 10 से भी छोटा होगा, तो हम ये लेंगे, ये मेरा हुआ मीनिंगफुल इक्वेशन, तो एक हुआ इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2, तो अगर मैं दोनों को यूज करूँ बाई 1 एंड 2 तो क्या इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, मिला सकते हैं आप, ये बोलता है कि x 4.5 से बड़ा है और ये बोलता है 8 से छोटा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x जो है ना वो 4.5 और 8 के बीच में है, ठीक है, 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो दोनों को मिला दिए तो ये मिल गया, तो यानी जो उसका आपको क्या बोल रहा था कि आप कंसेक्यूटिव जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालिए, ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है इंटीजर, x क्या है, x जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, जेड प्लस का मतलब क्या होता है कि x जो है वो बिलोंग्स करता है पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको गिवन है। तो अब हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो 4.5 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, तो डेफिनेटली x क्या हो सकता है, तो x 5 हो सकता है जो 4.5 से बड़ा है, 6 नहीं होगा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि 6 इवेन नंबर है, हमको लेना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या लेना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको, तो 6 नहीं लेंगे, ठीक है, तो 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, फिर लेंगे 7,
और 8 तो ले नहीं सकते क्योंकि 8 इवेन है, ठीक है, और 8 ऐसे भी इक्वल टू नहीं है, तो हमको सिर्फ 5 और 7 ही हम ले सकते हैं। देयरफॉर जो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ये क्या आ जाएगा। तो ये कैसे लिखते हैं, तो हमको हम आपको मैंने बताया कि एक अगर एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, ठीक है। तो एक मान लो अगर आप 5 लेते हो तो 5 के बाद कौन होगा, 7 होगा, ठीक है, या अगर आप 7 लेते हैं तो 7 के बाद कौन होगा, 9 होगा। तो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 5 7 होगा या तो क्या होगा वो 7 9 होगा, आपको इस तरीके से मोहब्बत से लिखना है, ठीक है। 5 लेंगे तो 5 के बाद 7 हो जाएगा इसके हिसाब से, और 7 लेंगे तो 7 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको समझ समझ के करना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, बोलता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इवेन। अब यहाँ पे इवेन के बारे में बात किया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको इवेन पॉजिटिव इंटीजर बोला है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन कितना बनाएंगे, वीडियो पॉज कीजिए और आप बनाइए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। कैसे बनाओगे, ऐसे लिखोगे लेट पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इवेन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब आप ध्यान दो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या तो वही होगा एक्स होगा और एक्स प्लस टू होगा, ऐसा ही पेयर होगा, क्योंकि इवेन, इसलिए कि आप चाहे इवेन का बात कीजिए या ऑड का बात कीजिए, दो का ही फर्क होता है। जैसे आप देखो 2 4 6 8 ये सब आप देख रहे हो, सब क्या इवेन है, बट आप कोई भी दो उठाइएगा तो ये आपका कंजिगेटिव कहलाएगा, 2 4 कंजिगेटिव है, 6 8 कंजिगेटिव है, ठीक है, मतलब अगल बगल वाला, लेकिन इसमें दो का फर्क होता है, तो एक अगर एक्स होगा तो एक क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गिवेन ये है कि जो भी आप लेंगे वो लार्जर देन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, और एक्स प्लस टू भी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। इसका मतलब है यहां से निकल जाएगा क्या कि एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 3, ठीक है। तो अब देखो एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ा 5 से बड़ा, दोनों बात आ रही है। तो यहां से जो मोर जो आपका अफेक्टिव स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है मेरा एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसलिए कि जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से भी बड़ा होगा। तो यहां पे हम इसको लेंगे इक्वेशन 1 कि एक्स मेरा क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि दोनों चीजें आपको देखनी है। अगर आप 3 से बड़ा ले लोगे तो एक्स आपका 4 भी हो सकता है, बट आपको ये बोल रहा है कि नहीं 5 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 5 से बड़ा जो भी आप लेंगे, 6 लेंगे 7 लेंगे, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि वो 3 से बड़ा है। तो दोनों में जो मोस्ट सुटेबल है वो आपको चूज करना पड़ता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट का। अब बोलता है दोनों का जो सम है वो 23 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, दोनों का सम यानी एक्स और एक्स प्लस टू जो दोनों है का सम है वो क्या होना चाहिए, वो 23 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 23, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा 2x + 2 < 23, यहां से मेरा 2x आ जाएगा < 21, ठीक है, और यहां से आपका x क्या आ जाएगा < 21/2 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी आप कह सकते हैं 10.5। तो x क्या आ गया, x आ गया < 10.5, ठीक है। तो अब 1 और 2 को मिला दीजिए, ठीक है, by 1 and 2, 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, यहां से देखो यहां से ये हो जाएगा कि x जो है वो 5 और 10.5 के बीच में है, ठीक है, 5 से बड़ा है और 10.5 से क्या है, छोटा है। तो दोनों को आप मिला के लिख सकते हैं, मिला दिया जैसे मैंने, ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएगा। अब देखो यहां पे, अब हमको यहां पे जो x चूज करना है वो क्या है, x जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है और आपको इवेन लेना है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है, इवेन। तो x क्या हो सकता है, तो x यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो 5 से बड़ा लीजिएगा ना, तो एक आपका 6 हो सकता है, ठीक है, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 ऑड है, 8 ले सकते हैं, और फिर 9 नहीं लेंगे, ठीक है, 10 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 भी इससे छोटा आ जाएगा, तो 3 हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा इवेन पॉजिटिव इंटीजर जो पेयर आ जाएगा, ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इवेन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इवेन पॉजिटिव कंजिगेटिव भी ना, कंजिगेटिव ने लगातार होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए उसका, ठीक है, कंजिगेटिव इंटीजर्स। तो पेयर ऑफ इवेन पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है, बताइए, बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 लूंगा तो इसका बगल का 8 हो जाएगा, ठीक है,
अगर मैं 8 लेता हूँ तो इसके बगल का 10 हो जाएगा, और अगर मैं 10 लेता हूँ तो इसके बाजू का 12 हो जाएगा। ये दोनों इवेन इवेन है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इजिली आप बना लीजिएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। बोलता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो एक्चुअली शॉर्टेस्ट साइड हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं कि लेट ले लेते हैं क्या, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज, शॉर्टेस्ट साइड इज x सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या गिवन है, तो देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, तो वो है 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी शॉर्टेस्ट का 3 गुना है, ठीक है। और थर्ड साइड क्या है, और जो इसका थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो कैसा है, तो वो है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट आपको आया उससे क्या है, उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आ गया तीनों का, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है जी, तीनों साइड मिल गया। अब पेरीमीटर क्या बोलता है, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है गिवेन, गिवेन ये है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है, ये जो है मेरा एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब बताया था आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 61 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो ये आपको गिवेन हो गया। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। तो सिंपली सम कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x 3x आपका हो जाएगा 7x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, यानी क्या आ जा रहा है, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 आ रहा है। दैट मीन्स जो x है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 63 बाई 7, यानी 9, ठीक है। तो x क्या था, x मेरा शॉर्टेस्ट साइड था, जो क्या रहा है, 9 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या देगा, ये आपको बताएगा मिनिमम लेंथ, या कह सकते हो कि एटलीस्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, देयरफॉर मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, अच्छा ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो बहुत मोहब्बत से निकलेगा, एकदम आराम से आपको निकालना है, ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से काम होता चला जाएगा। आप देख सकते हो कि 9 सेंटीमीटर से बड़ा है, इसका मतलब है कि x क्या होगा, x अगर देखा जाए तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ में आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या है इसके बाद क्वेश्चन 26, देखिए क्या बोलता है। 26 बोलता है कि एक आदमी, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक 91 सेंटीमीटर का क्या है, एक लकड़ी का लट्ठा है, समझ लो, ठीक है। अब इसको जो है ना, या कोई बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, इसको 3 पीस में कट करना है, मान लो एक हो गया, दो हो गया, इक्वली नहीं करना है। कैसे करना है, आपको बोलता है द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा होगा, मान लो सबसे छोटा ये पीस है, तो जो सेकेंड वाला होगा ना, वो क्या होगा, वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा, ठीक है, छोटे वाले से। एंड द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। और जो तीसरा साइड होगा, मान लो वो क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट से दुगना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली शॉर्टेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बोलता है व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। क्या बोलता है कि आपको जो है शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है, या शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ निकालना है, ठीक है, सो कि जो तीसरा पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। अब यहाँ पे एटलीस्ट वगैरह रहता है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सेकंड से। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पे देखो हिंट भी दे दिया है, तो काफ़ी सिंपल ये तो लिख ही दिया है। क्या बोलता है, मान लीजिए कि एक्स जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड है, ठीक है। तो तीनों का लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो मैं शॉर्टेस्ट का एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, लेट क्या, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड,
इसको मान लेते हैं x, ठीक है। देयरफोर तो अब यहाँ पे आप तीनों निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ जो आपका सेकेंड लेंथ है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ सेकेंड लेंथ, ठीक है। सेकेंड लेंथ क्या बोल रहा है, तो सेकेंड लेंथ बोलता है कि 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ थर्ड लेंथ, थर्ड लेंथ, तो थर्ड लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बोलता है थर्ड लेंथ क्या है, ये डबल है, ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, यानी ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली x, x प्लस थ्री और 2x, है ना, एक मतलब आपका x होगा, एक आपका क्या होगा x प्लस थ्री होगा, एक आपका क्या होगा 2x होगा, ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही आपको हिंट में भी दिया है, ठीक है, इसी तरीके से आपको लेना है। अब जो हमको बोलता है वो क्या बोलता है, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये तीनों कभी भी 91 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पीस करेंगे तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन 91 को ही पीस करना है। तो इन तीनों का जो एटमोस्ट लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, वो क्या होना, वो 91 होगा। तो सबसे पहले तो ये कि तीनों का जोड़ x, x प्लस थ्री और प्लस टू एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये एटमोस्ट, यानी एटमोस्ट के लिए क्या लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए, क्योंकि 91 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, छोटा हो सकता है, 90 हो सकता है, 89 हो सकता है, ठीक है, हम हो सकता है कि कुछ मेरा टुकड़ा बच जाए, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पूरा खर्चा ही कर देना है। हाँ, तो हम मैक्सिमम 91 का ही कट करेंगे, तो मैक्सिमम जब लगाएंगे तो लेस देन 1 लगाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, यहाँ से आपका आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 88, और यहाँ से मेरा x क्या आ जाएगा, 88 बाई 4, ठीक है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है, ये आ गया। मतलब x जो है वो 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, ये बात तो तय हो गया। अच्छा, अब क्या बोलता है, अब एक बात और बोल रहा है कि जो थर्ड पीस है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है, जो आपका थर्ड पीस है, थर्ड पीस कौन है, ये है 2x, ठीक है। तो ये जो 2x है ये क्या होना चाहिए, ये एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। लॉन्गर कौन था, लॉन्गर है मेरा, ठीक है, लॉन्गर देन सेकेंड, सॉरी, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो ये सेकेंड है आपका, तो x प्लस थ्री से क्या होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। तो यानी x प्लस थ्री ये आपका हो गया सेकेंड लेंथ, इसमें 5 ऐड करेंगे तो इससे एटलीस्ट होना चाहिए बड़ा कौन, आपका थर्ड लेंथ, ऐसा आपको बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो x को उधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब 1 और 2 को यहाँ पे मिला के लिखिए मोहब्बत से। 2 बोलता है कि x 8 से बड़ा होना चाहिए और 1 बोलता है कि x 22 से छोटा होना चाहिए, तो बाई 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 एंड 2 मिला देंगे तो बन जाएगा कि x का वैल्यू 8 से लेकर के 22 के बीच में होना चाहिए। x शुड बी फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर, यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है वो कम से कम 8 होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनेगा और काफ़ी इजी था ये चैप्टर, आपको ये भी लगा होगा, बट इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको आप याद रखिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और 1 बाय 1 आपको सारा ही कंटेंट देखना है, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर एनसीईआरटी आपका स्ट्रांग होगा ना, तो आगे का मैथ्स भी आपका काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।